और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सुशांत केस से जुड़ी हुई। सुशांत सिंह मामले में एक और ट्विस्ट आ गया है, लगातार एक के बाद एक नए ट्विस्ट निकल कर सामने आ रहे हैं। और इसी बीच एक और ट्विस्ट आ चुका है, रिया महेश भट्ट की चैट से खुलासा हुआ है। 8 जून को दोनों के बीच बातचीत हुई थी, 8 जून के दिन दोनों के बीच बातचीत हुई थी। रिया ने सुशांत का घर छोड़ने का जिक्र किया था इस चैट के दौरान। सुशांत सिंह मामले में एक और ट्विस्ट आ गया है, रिया और महेश भट्ट की चैट निकलकर सामने आई है। और ये देखिए, ये चैट के कुछ अंश हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और इस पूरी चैट में रिया ने जिक्र भी किया है सुशांत को लेकर, और 8 जून को उन्होंने घर छोड़ा था। और इसी बीच 8 जून को दोनों के बीच बातचीत हुई थी, और इस दौरान उन्होंने सुशांत का घर छोड़ने की जिक्र किया था। अमजद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से। अमजद, क्या जानकारी आ रही है? एक के बाद एक ट्विस्ट निकलकर सामने आ रहा है, एक और ट्विस्ट। हाँ बिल्कुल, मामले में लगातार शिखर जा रहा है, वो कसता हुआ जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड को लेकर जो गुत्थी थी वो अभी तक सुलझी नहीं है। और सीबीआई की जो टीम है, एक टीम कल पहुंच चुकी है और दूसरी टीम आज मुंबई पहुंचेगी। और मुंबई पुलिस से जितने भी सुशांत सिंह से रिलेटेड केस की जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी और जितने भी स्टेटमेंट्स वगैरह है, वो सारी चीजें आज मुंबई पुलिस जो है सीबीआई के हैंड ओवर करेगी। और सीबीआई की जो जांच है वो अब धीरे धीरे सुशांत सिंह राजपूत के जो केस के अंदर अब आगे बढ़ेगी। और सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो सीबीआई की जो टीम है वो मुंबई एक पहुंच चुकी है। ऐसे 10 लोगों की टीम बनाई जाएगी, जिसके अंदर 3 टीम बनाई जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है सूत्र के हिसाब से कि 3 टीम बनाई जाएगी और तीनों टीम को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी जांच के लिए। अब जो ये चैट निकलकर सामने आई है, इसके बाद से क्या लगता है कि केस किस तरफ मुड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या इससे कुछ किसी तरीके की हेल्प मिल पाएगी चैट से? देखिए बिल्कुल, अगर ये चैट की बात करें तो ये 8 जून का चैट है, जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की जो मैनेजर है उसका सुसाइड होता है, और उसी दिन का ये चैट है। रिया जब अपना सुशांत सिंह का घर छोड़ के जाती है, वही 8 तारीख की बात है। उसके अंदर लगातार जो महेश भट्ट के साथ जो चैट नजर आ रहा है रिया का, और लगातार ये चीजें सामने आ रही है। क्योंकि महेश भट्ट ने सामने इसके पहले भी कहा था कि मैं सिर्फ 2 मरतबा सुशांत सिंह से मिला हूं मुंबई पुलिस की पूछताछ के अंदर। अब जो सीबीआई है वो लगातार ये तमाम चीजों की जांच करेगी और तमाम चीजें जो है वो अब आने वाले वक्त के अंदर सामने आएगी। लेकिन जो शिकंजा है वो वाकई में जो बॉलीवुड का, जो बॉलीवुड के जो एक्टर्स है और जो जो फिल्म निर्देशक है, इनके ऊपर शिकंजा लगता कहीं ना कहीं कसता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अमजद, क्योंकि इससे पहले लगातार ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच काफी समय से बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अब अचानक से जो चैट आई है तो अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि 8 जून की ही ये चैट बताई गई है। हाँ जी बिल्कुल, अगर ये बता दूं 8 जून की ये चैट है, और वो चैट के अंदर बहुत सारा लंबा चैट है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने 4 लाइन की चैट की है और वो 4 लाइन की चैट खत्म हो गई, क्योंकि क्योंकि रिया ने साफ तौर पे ये भी बताया महेश भट्ट को, भाई जो उनके जो रिलेशन है वो किस तरह किस लेवल पे पहुंच चुके हैं और उनकी जो परेशानी है, तो महेश भट्ट ने वहां से रिप्लाई भी किया है वो चैट के अंदर के आप अपनी जिंदगी। बता दें ये सीधा तस्वीरें हैं सुशांत के घर से, सुशांत राजपूत के घर की सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीबीआई की जो टीम है वो पहुंची है जांच के लिए। सीधा एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, जहां सुशांत सिंह राजपूत के घर सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। लगातार जो मामला है वो गर्माता जा रहा है। बता दें कि एक के बाद एक बड़े खुलासे होते जा रहे हैं और लगातार ही जो नाम है वो भी जुड़ते जा रहे हैं जांच के दौरान। तमाम जो नाम है उन सभी से पूछताछ की जा रही है और अब सीबीआई के हाथ में केस आ चुका है, तो यकीनन केस थोड़ा रफ्तार पकड़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के घर का ये सीन है जहां वो पहुंची है सीबीआई की टीम। और ये भी बता दें कि यहाँ पर एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत की जो सुसाइड मामला है, जो पूरा मामला है, उसे उस सीन को रिक्रिएट किया जाएगा और जो तमाम पहलू है उनको एक बार फिर से कई एंगल से जांचा जाएगा। और आपको बता दें कि सीबीआई में जो तमाम फोटोज हैं और जो तमाम सबूत है वो सब
अपने हाथों में ले लिए हैं और जो तमाम जो फाइलें हैं और इसके अलावा जिन लोगों से पूछताछ की गई है अब तक उनकी रिपोर्ट्स भी मंगा ली है। और अब सुशांत सिंह राजपूत के घर पर जो मिस्ट्री है सुशांत सिंह के केस की उसको सुलझाने की कोशिश की जाएगी, सीन को रिक्रिएट किया जाएगा और सबसे पहले इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि ये मौत है या फिर आत्महत्या। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जहां बड़ा खुलासा किया है कंगना रनौत ने ट्वीट करके, न्यूज वेबसाइट का लिंक उन्होंने ट्वीट किया है। बड़ी खबर इस वक्त, इसी बीच सुशांत केस से जुड़ी हुई सारा सुशांत के अफेयर का जिक्र किया है। बड़ी खबर, सारा और सुशांत का अफेयर का जिक्र किया गया है इस लिंक के अंदर। कंगना रनौत ने ट्वीट कर इसका खुलासा किया। बड़ी खबर, न्यूज वेबसाइट का एक लिंक उन्होंने ट्वीट किया है और ये अपने आप में एक बड़ा खुलासा है क्योंकि सारा और सुशांत के अफेयर को लेकर ये ट्वीट किया गया है, ये लिंक उन्होंने शेयर किया है एक न्यूज वेबसाइट का जिसमें इस बात का जिक्र किया है कि दोनों के बीच अफेयर रहा है और कंगना रनौत ने ये ट्वीट किया है और इसके जरिए एक और बड़ा खुलासा हो रहा है और इसको भी अब आपको बता दें कि जांच में शामिल किया जा सकता है। न्यूज वेबसाइट का ये लिंक है जो कि कंगना रनौत ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। सारा सुशांत के अफेयर का जिक्र उन्होंने किया है और इस लिंक के अंदर सुशांत और सारा अली खान के अफेयर का जिक्र किया गया है। न्यूज वेबसाइट का ये लिंक है। अमजद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमजद, कंगना रनौत ने एक ट्वीट कर एक और ट्विस्ट ला दिया है, उन्होंने एक न्यूज वेबसाइट का लिंक ट्वीट किया है जिसमें सारा और सुशांत के अफेयर की बात कही गई है। जी बिल्कुल, कंगना की बात करें तो कंगना लगातार सुशांत सिंह की जब से आत्महत्या हुई है जब से ही लगातार कोई ना कोई सोशल मीडिया पे या ट्वीट वगैरह उनके आए रहे हैं और उनका जो ये कहना है कि सारा अली खान के साथ कहीं ना कहीं सुशांत सिंह का अफेयर चल रहा था तो वो भी एक जांच का विषय होगा क्योंकि मुंबई पुलिस बहुत सारे एंगल्स जो है वो नहीं खंगाल पाई है लेकिन सीबीआई जो है जब ये जांच के अंदर उतरी है तो बहुत सारे ऐसे एंगल्स है जो सीबीआई जो जांच करेगी क्योंकि जितने भी क्लोज फ्रेंड्स है सुशांत सिंह के या जितने भी उनसे रिलेटेड लोग हैं उन सबसे पूछताछ होगी। और आज कंगना रनौत ने जो ट्वीट जो सोशल साइट पे उन्होंने साइट डाली है उसके ऊपर भी साफ तौर पे ये बताया है कि उन्होंने कि सारा अली खान के साथ कहीं ना कहीं सुशांत सिंह का अफेयर भी था तो जांच के अंदर आने वाले वक्त के अंदर सारा अली खान से भी शायद हो सकता है सीबीआई पूछताछ भी करेगी। और लगातार जो चीजें हैं क्योंकि सुसाइड या आत्महत्या ये गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है क्योंकि लगातार उनके पिता का भी ये कहना है कि जब सुशांत सिंह की आत्महत्या अगर हुई है तो वो जूस किस वक्त पिए थे वो तमाम चीजों को भी लेके वो लगातार सवाल उठा रहे हैं और मुंबई पुलिस पे लगातार ये चीजों के ऊपर सवाल उठता गया है कि मुंबई पुलिस ने ऑटोपिक्स रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो उनके चोट के निशान है वो सारी चीजें क्यों नहीं सामने आई और वो सारी चीजों को क्यों नहीं रखा गया। अब सीबीआई अब देखना ये कि सीबीआई की जो फॉरेंसिक टीम है ऑटोपिक्स रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जो लेके इसके ऊपर जो आगे सर्च करेगी उसके अंदर निकल के क्या सामने आता है और सीन को रिक्रिएट किया जाएगा क्योंकि जो पलंग है सुशांत सिंह का पलंग और पंखे के बीच घर के अंदर क्यों ना स्टूल और आत्महत्या करने के लिए कोई ऐसी चीज क्यों ना मिली और वो तमाम चीजों को सीन रिक्रिएट किया जाएगा और तमाम जो उसके नौकर है जो उनके रिलेटिव्स है जो उस वक्त मौजूद थे उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर उनकी बॉडी को पुलिस के आने से पहले क्यों उतार लिया गया क्योंकि लगातार सवाल ये भी उठ रहा है कि पुलिस के आने से पहले उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हुई जो हरा कपड़ा जो था वो कितना छोटा था या कितना बड़ा था उससे किस कैसे सुसाइड कर सकते हैं सुशांत सिंह तो वो सारी चीजों को लेके जो सीबीआई है आज वो सीन को रिक्रिएट कर सकती है और चीजें वो सामने धीरे धीरे मतलब लाएगी सीबीआई। और लगातार इसके अंदर मैं बता दूं राजनीति भी लगातार तेज हो चुकी है। शरद पवार ने भी हालांकि ये कहा है कि सीबीआई की जो जांच है दाभोलकर की तरह कई सीबीआई जांच ये भी 7 साल तक का लटक ना जाए तो राजनीति भी जो है इसके अंदर लगातार तेज हो गई है। आरोप और प्रत्यारोप का आरोप भी शुरू हो चुका है। बिहार सरकार की बात करें या महाराष्ट्र सरकार की बात करें बिल्कुल अमजद हमारे साथ बने रहिए। सीधा हम तस्वीरें भी दिखाते जा रहे हैं। लगातार सुशांत सिंह के घर पर सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है और लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अमजद, जब से सीबीआई के हाथ में केस आया है तब से रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है लेकिन जब मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब जो पूरी चीजें हैं वो थमी हुई थी और अब एकदम से रफ्तार पकड़ी है केस ने। हाँ जी बिल्कुल, अगर जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है इसके सीबीआई जांच होनी चाहिए
जो सुशांत का परिवार है वो भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड लगा, और उनके तमाम जो फैंस है और जो उनके चाहने वाले और जो उनके करीबी लोग हैं वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई लगे। अगर मुंबई पुलिस की बात करें तो मुंबई पुलिस ने 30 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी थी और लगातार पूछताछ का दौर शुरू था, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जिसके सवाल का जवाब हमें भी नहीं मिल पाया था मुंबई पुलिस से। अब लगता है कि सीबीआई भी जो है वो जब जांच को आगे बढ़ाएगी और जो रफ्तार जो बढ़ी है सीबीआई की जांच की, क्योंकि सीबीआई की मैं बता दूं तीन टीम बनी है, मनोज जो आईपीएस है उनके उनके अध्यक्षता में एक टीम बनी हुई है और लगातार जो पूछताछ है, इनको अलग अलग कैटेगरी में माना गया है कि सुशांत सिंह से करीबी लोगों से कौन सी टीम, तीन लोगों की टीम पूछताछ करेगी, बॉलीवुड एक्टर जो है वो तीन टीम से उनसे तीन टीम पूछताछ करेगी, और जो फॉरेंसिक्स और पोस्टमार्टम जो डॉक्टर्स लोग हैं, जो सुशांत सिंह के डॉक्टर्स लोगों ने भी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है उनसे भी सीबीआई कहीं ना कहीं पूछताछ कर सकती है। तो ये जो टीम बनाई गई है अलग अलग तरीकों से, और ये तमाम जो चीजें सीबीआई ने मतलब आने से पहले ही वर्किंग करके रखी थी कि हमें किस तरीके से और किस एंगल पे जाना है, तो मनोज जो आईपीएस है उनकी अध्यक्षता में जो टीम जो बनी है वो लगता है ये कि आने वाले वक्त में बहुत सारी चीजों का धीरे धीरे खुलासा होगा। अमजद, सीबीआई सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो किस चीज को देगी, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि सबसे पहले सीबीआई इस बात पर काम करेगी कि सुशांत सिंह की आत्महत्या हुई है या फिर उसका मर्डर हुआ है, सबसे पहले इस पर ध्यान दिया जाएगा, इस पर वर्क किया जाएगा। जी बिल्कुल, अगर सुशांत सिंह राजपूत की बात करें तो जो सुसाइड केस है वहां पर सीन रिक्रिएट किया जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किस तरीके से किया है, और वो एंगल भी देखा जाएगा, और उनको उनके दोस्त लोगों से भी पूछताछ होगी, क्योंकि उनके नौकर का साफ तौर पे कहना था कि उन्होंने जूस किया था, चाहे नारियल पानी हो या जूस हो, वो जूस किया था, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर फॉरेंसिक के अंदर वो क्यों नहीं आया है, वो तमाम चीजों को पहलू को लेके जांच भी की जाएगी। एक टीम ये भी जांच की जाएगी कि ईडी का जो मामला चल रहा है ईडी के अंदर भी क्या चीजें निकल के सामने आती है, तो एक टीम उसके ऊपर भी लगाई गई है कि ईडी की जांच किस तरीके किस मोड़ पे जा रही है और उसके अंदर क्या क्या चीजें निकल के आएगी। तो सुशांत सिंह राजपूत के अंदर सबसे पहला एंगल यही खंगाला जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या है या हत्या है, सबसे पहले चीज यही खंगाली जाएगी। और उसके अंदर मैं ये भी बता दूं कि रिया का नाम एफआईआर के अंदर है, रिया उसकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है क्योंकि एफआईआर में उनका नाम है, और रिया को हो सकता है पूछताछ के लिए सीबीआई अगर कॉर्पोरेट नहीं करती, क्योंकि ईडी के सामने हमने देखा रिया और उनके भाई ने लगातार पूछताछ के अंदर कॉर्पोरेट नहीं किया, अगर इस वक्त अगर वो कॉर्पोरेट नहीं करते हैं चाहे रिया का जो परिवार है, तो हो सकता है उनके ऊपर गिरफ्तारी का शिकंजा भी कसा जाए। चलिए अमजद, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुशांत सिंह के केस में लगातार नए खुलासे होते जा रहे हैं, अब सीबीआई की जो टीम है उनके घर पर पहुंच चुकी है, वहां पर सीन को रिक्रिएट किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी।